आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का दिन हमारी जिंदगियों में दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ें। आज का टॉपिक है घमंडी लोगों के ऊपर। खुदा के प्रिय लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, घमंड करना जो होता है दुष्ट की तरफ से होता है। घमंडी इंसान हमेशा नीचे गिराए जाते हैं। परमेश्वर घमंडी लोगों से बहुत ही नफरत करता है। घमंडी लोगों को परमेश्वर नीचे गिरा देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने बाइबल में से लूसीफर के बारे में काफी बार पढ़ा होगा। लूसीफर एक परमेश्वर का दूत था जो परमेश्वर के संग रहा करता था। सो जब वो परमेश्वर के संग रहता था तो उसके अंदर घमंड आ गया कि अब तो मैं भी परमेश्वर के तुल्य बन गया हूं, अब तो मैं परमेश्वर की बराबरी कर सकता हूं, अब तो मैं परमेश्वर वाले तख्त पर बैठना चाहता हूं। यानी कि वो अपने आप में घमंड करने लग गया। सो याद रखिए, जब उसके घमंड के बारे में परमेश्वर को पता चला कि इसको अपने ऊपर घमंड आने लग गया है, ये अपने ऊपर घमंड करने लग गया है, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जी हाँ, खुदावन के प्रिय लोगों, आपके पास अच्छा धन है, अच्छी दौलत है, अच्छी शोहरत है, अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, अच्छी इज्जत है, अच्छी बड़ी पदवी है, अच्छी बड़ी ड्यूटी है, अच्छा आपके पास कारोबार है, अच्छी आपके पास चाहे सुंदरता है, अच्छा आपके पास चाहे परिवार है। कभी भी ये ना सोचे कि ये मेरी बुलबुद्धि से है, कभी ना सोचे कि ये मेरे ज्ञान से है, कभी ना सोचे कि ये मेरी मेहनत से है, कभी ये ना सोचे कि ये तो मैंने अपने बलबूते पर सब कुछ प्राप्त किया है। खुदावन के प्रिय लोगों, यकीन मानिए, सच पूछिए, तो ये सब कुछ, चाहे वो दौलत है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो नाम है, चाहे बड़ी पदवी है, चाहे कोई भी हमारे परमेश्वर के जो दिए गए दान वरदान है, वो हमारी किसी अकल या बुद्धि से हमें नहीं मिले, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। सो यकीन मानिए, जब तक परमेश्वर हम पर दया ना करे, हम इन चीजों को कभी भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते। सो यकीन मानिए कि हम इस धरती पर एक थोड़े समय के लिए परदेसी हैं। हालेलुया। सो जब हम परदेसी हैं तो हमें अपनी किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो नाम हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे अच्छा नाम हो, चाहे अच्छी सुंदरता हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी हमारे पास एजुकेशन हो, किसी चीज के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो घमंडियों से बहुत ही नफरत करता है और उसको किसी को राजा से रंग और रंग से राजा बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमेशा झुककर जीवन जीना सीखे, दीन होकर जीवन जीना सीखे, नम्रता वाला, हलीमी वाला जीवन जीना सीखे। इससे पता चलता है कि आप जीवते परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर कि जो दया है वो आपके ऊपर है, इसलिए आप हलीम हैं, इसलिए आप नम्र हैं, इसलिए आप दीन हैं, आपको अपनी किसी भी चीज के ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। सो खुदा के प्रिय लोगों, हमेशा हर समय अपने आप को दूसरों से छोटा बना के रखें, दूसरों से छोटा बना के समझे। सो बाइबल कहती है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो सबका सेवक हो जाए, वो सबका दास हो जाए। सो हमेशा नरमाई वाला जीवन जिए तो देखिए परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाता है, परमेश्वर आपके जीवन से, आपकी भक्ति से, आपके चाल चलन से कैसा खुश होता है। सो एक लूसीफर जो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसको घमंड आ गया था कि मैं परमेश्वर के अब तो बराबर बन चुका हूं। सो परमेश्वर इस छोटे से सर्मन के जरिए आप सबके जीवनों में बहुत आय से आशीष और बरकत दे और आप सब जन खुदावंत की महिमा करते हुए आगे बढ़े। आए हम मणिपुर स्टेट के लिए छोटी सी प्रार्थना करके चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय तकलीफ की, जो इस समय समस्या की हालत में है प्रभु जी, आप अपना स्वर्गीय हाथ, सामर्थ्य हाथ, खुदावंत छिदा हुआ हाथ
उन लोगों के ऊपर बढ़ाएं, उस स्टेट के ऊपर बढ़ाएं, आपकी दया उस स्टेट के ऊपर चाहते हैं। जितना भी हमारे मणिपुर में रहने वाले लोगों के ऊपर स्ताव आ रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ खुदावा ना इंसाफी हो रही है, पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में वहां पर आपकी सच्ची शांति को बहाल कर दीजिए पिता, वहां पर अपनी सच्ची शांति को भेज दीजिए, वहां के लोगों से खुदावा बातचीत कीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो भी आपके बेटे यीशु के नाम में शाऊल की तरह बचा लिए जाए और यही गवाही देने वाले बने कि हम तो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाले थे, पर अब हम परमेश्वर के सच्ची संतान, परमेश्वर के भक्त बन चुके हैं। प्रभु कृपा कीजिए, रहम कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। प्रभु एक एक पर तेरा सामर्थ्य आज चाहते हैं प्रभु जी, हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब पर, हमारी पूरे इंडिया पर, हमारे पूरे वर्ल्ड पर, दुनिया के एक एक कोने पर आपके बेटे यीशु के नाम की आशीष चाहते हैं और दुआ करते हैं कि हर एक जीव अंगीकार करे कि खुदावन्द यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना को हम आपके ही प्रिय पुत्र, हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम लेकर मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदावन्द आप सबको बहुत सी बरकत और आशीष दे।